आज है 30th of January और हम निकल चुके हैं यहाँ से बुलंदशहर की ओर। आज हम ढूंढने वाले हैं ढाबा। ये एक नॉर्मल एक फन लविंग राइड होने वाली है, जो कि हम यहाँ से निकले हैं नोएडा से, और करीब करीब यहाँ से 86 किलोमीटर है बुलंदशहर। और अभी मैं हूँ सेक्टर 52 में, यहाँ से मुझे लेना है राइट। वैसे ये एक नॉर्मल संडे राइड होने वाली है, जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ निकल चुका हूँ। चलो 11, 10, 9, 8, 7, 5 तो ऑलराइट, जाओ 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 जाओ। यहाँ से करीब करीब बुलंदशहर है 86 किलोमीटर्स और 1 hour 28 minutes दिखा रहा है। हम लेने वाले हैं रूट हापुड़ वाला, तो देखते हैं कौन सा बेस्ट रूट रहेगा, बिकॉज अभी तक तो मैप में यही वाला सेट किया कर रखा है मैंने। देख लेता हूँ ये सही वाले रास्ते से लेके जा रहा है ना, क्योंकि हाँ ये वाला सही रास्ता है। मेरे ग्लव्स मैंने अपने दोस्त के घर पर छोड़ दिया था, तो आज मुझे बिना ग्लव्स के ही चलाना पड़ रहा है यार। यहाँ से जाएंगे सेक्टर 62 से नीचे, फिर मेरठ हाईवे में चढ़ के, फिर वहाँ से हापुड़, फिर सीधा बुलंदशहर। वैसे बेसिकली हमारा जो प्लान है वो बुलंदशहर तक जाने का नहीं है, हम लोग बीच में अगर कोई हमें ढाबा मिला तो हम लोग वहाँ पे रुक के खाना वाना खा के वापस आ जाएंगे। प्लान में अभी चेंज भी हो सकता है, बिकॉज अभी पक्का नहीं है कि बुलंदशहर में जाएंगे। वैसे हमारा प्लान तो है कि बुलंदशहर में जाके घूमेंगे, बट हम तो लोग थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज ऑफ दो तीन लोगों की वजह से। मेरे दोस्त थोड़ा सा लेट आ गए, वरना हम थोड़ा सा जल्दी निकल जाते। खैर जो भी है, देखा जाएगा। अब तो नॉर्मल की स्पीड में जाएंगे, 40, 50, 55 ऐसी स्पीड में जाएंगे। जब हम लोग हाईवे में चढ़ जाएंगे उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाईवेज में पता नहीं चलता है स्पीड का, एक तो पहली बात। ठीक है, अभी लास्ट वाले व्लॉग में मैंने दिखाया था आप लोगों की सेक्टर, मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये वही है सेक्टर 63, जो मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था मैंने, जहाँ पे मैंने बताया था कि आदिश जनता यहाँ पे रहती है और ममूरा में रहती है और काम करती है सेक्टर 63 में। आपने वो वाला मेरा व्लॉग देखा नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पर आ रहा होगा। खैर यहाँ से हम लोग को लेना है नीचे से, यहाँ पे हापुड़ दिखा रहा है मेरठ गाज़ियाबाद दिल्ली, तो हमें जाना है हापुड़ साइड से, तो हमें नीचे से ही जाना पड़ेगा। मेरे देख रहा हूँ मेरा हॉर्न भी काम नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी। हमने मेरे हॉर्न के नीचे से तार शायद लूज़ हो गया होगा मेरे हॉर्न का। मेरे इधर देखो यार, क्या मौसम, क्या बेहतरीन हो रखा है। ऐसे संडे को ऐसा अगर मौसम रहे और राइड करने में बड़ा ही मजा आ जाता है यार। ये देखो मेरठ दिखा रहा है 59 किलोमीटर्स, 160 रुड़की और देहरादून 230। इसी रोड से कोई ना एक ना एक बार तो जाता ही है, वैसे यही रूट है वैसे तो देहरादून के लिए। ओके ओके, कितना होगा पेट्रोल? हाईवे तो थोड़ा पार हो जाएगी, हाईवे पार हो जाएगी, मैं देख लेता हूँ पेट्रोल कितना दूर है। ठीक है, आगे है एक पेट्रोल पंप है, आगे है पेट्रोल पंप एक, हम नीचे नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर तो पता नहीं, बट आगे है एक
राइड स्टार्ट होते ही एक बंदे का पेट्रोल खत्म हो गया और हमें इमरजेंसी में अब पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा भाई। भाई इतना लंबा जाम निकलने के बाद अभी जाके यहाँ पे खाली हुए हम लोग। अभी ये रोड में हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। मुक्तेश्वर वाली राइड कर रहा था तब मेरे सुबह सुबह पेट्रोल बहुत कम था मेरे बाइक में, तो मैंने यहीं कहीं से पेट्रोल भराया था, मुझे याद आ रहा है, बट एग्जैक्टली कहाँ पे है यार वो नहीं पता चल रहा। देखते हैं आगे जाके थोड़ा सा, क्या पता आगे पेट्रोल पंप मिल जाए मुझे। मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं कि सारे बाल आगे आ रहे हैं आंखों के सामने, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है यार। तो फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया हम लोगों को। तो हाँ जी, अभी हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद और नोएडा से सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर चले हैं अभी और पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो यही है कंटेंट भाई आज का। और पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पेट्रोल मिल गया हम लोग को गाज़ियाबाद में और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं। बाइक अपनी परफॉर्मिंग वेरी वेल और वैसे तो ये संडे राइड हो गया है और भाई मज़ा आ रहा है लोगों, और वहाँ पे जाएंगे और हमने सोचा कि ढाबा ढूंढ रहे हैं, वैसे तो हम लोग ढाबा ढूंढ रहे हैं है ना ढाबा, तो नोएडा में कोई ऐसा अच्छा खासा ढाबा है नहीं। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कोई नियरेस्ट ढाबा। हम लोग तो यार दूर जा रहे हैं, बताओ हम लोग जा रहे हैं हापुड़ ढाबा, हापुड़ से भी आगे। तो वैसे तो हमारा डेस्टिनेशन आज का है बुलंदशहर और देखते हैं अगर उससे पहले कोई अच्छा सा ढाबा मिल गया तो वहीं पर जाके खाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहो और इन्जॉय करो। पेट्रोल भरने के बाद हम निकल गए हापुड़ के लिए। क्या बनाया है यार। ऐसा लग रहा है मैं लंबे ट्रिप में जा रहा हूँ, काश ये सच हो जाता यार। कुछ दिन के लिए तो लंबे ट्रिप में जाने का मन कर ही रहा है, होप सो कि प्लान जल्दी बन जाए मेरा। तो भाई हम छजारासी टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं अभी। एक फ़ायदा तो है यार बाइक राइड करने का, बाइक में टोल नहीं लगता कोई भी स्टेट में, यमुना एक्सप्रेस हाईवे को छोड़ के। राइट सो अभी 10-15 किलोमीटर कंटिन्यूस हमने चलाने के बाद अभी हम लोग हापुड़ के जस्ट साइड में हाईवे है तो उसी के वहीं पे रुके हुए हैं। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि इस हाईवे का नाम क्या है बट NH-334 है, तो बस यहाँ से बुलंदशहर ज़्यादा दूर रह नहीं गया। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को इन्जॉय कर रहे हैं।
तो भाई हम लोग हापुड़ से थोड़ी दूर आ गए हैं, हापुड़ से ज़्यादा दूर नहीं, बस कुछ 2-3 किलोमीटर दूर है बस। और हम यहाँ पे रुके हैं पारस टूरिस्ट ढाबा में, और मेरे दोस्त यहाँ पे हैं। हाँ भाई मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ओ ये हमारी बाइक खड़ी है, देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और भैया से हमने बात किया कि अगर गन्ने वन्ने चाहिए तो गन्ने भी दिला सकते हैं, तो आओ आप लोग और यहाँ पे भी बैठ के आराम से मॉर्निंग राइड तो यहाँ तक कर ही सकते हो ईजिली, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, बेस्ट प्लेस है। और पीछे देखो लोकेशन बेस्ट है, और इधर बिल्कुल सूरज डूबता हो। रिकॉर्ड तो कर ले भाई। तो भाई ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है भाई, क्योंकि खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, बेहतरीन खाना था। तो अभी चलते हैं घर, मज़ा आ गया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए। तो भाई पेमेंट कौन करने वाला है ये बताओ? पेमेंट कौन करेगा? जो वीडियो बना रहा है।